दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है बैरू पे डाकू। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है ये कॉमिक्स। बैरू पे डाकू। बम्बई सेंट्रल जेल में स्थित जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में इंस्पेक्टर सुंदर सिंह, आपको कुख्यात अपराधी अरुण पटेल को पूना जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आधे घंटे बाद आप अपराधी को लेकर रवाना हो जाइए। यस सर। मैं आपको अरुण पटेल के विषय में यह भी बताना चाहूंगा कि वह एक खतरनाक अपराधी है। बम्बई और पुणे की अदालतों में उस पर 20 मुकदमे चल रहे हैं। उसके पीछे एक पूरा गिरोह है, अतः हो सकता है उसके साथी रास्ते में हमला करके उसे छुड़ाना चाहे, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आप चिंता नहीं कीजिए सर, अरुण पटेल को पुणे जेल पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। गुड, आपके साथ 5 सिपाही भी जा रहे हैं। पहले आप जाकर अपनी टीम से मिल लीजिए। यस सर। सैल्यूट देकर इंस्पेक्टर सुंदर सिंह जेलर के ऑफिस से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद अरुण पटेल को जेल की गाड़ी में सवार कराया गया। चलो, अरुण पटेल के साथ 500 सिपाही भी वैन के पिछली भाग में सवार हो गए। बाबू को सूचना मिल चुकी होगी कि मुझे पुणे ले जाया जा रहा है, उसने मुझे छुड़ाने के सारे प्रबंध कर लिए होंगे। बाबू अरुण पटेल का साथी था, गिरोह में पटेल के बाद उसका दूसरा नंबर था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह वैन में सवार होने जा रहा था कि सब ठीक है ना इंस्पेक्टर? यस सर, अपराधी वैन में सवार हो चुका है और हम रवाना होने वाले हैं। कुछ क्षण बाद वैन जेल के फाटक से बाहर निकली। हारून पटेल लापरवाही से बैठा ऊँग रहा था। बाबू जरूर आएगा। वैन बंबई पूना रोड पर पहुंच चुकी थी। साहब बेकार डर रहे थे, मुझे लगता है पटेल के साथियों को पता भी नहीं होगा कि उसे पुणे ले जाया जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर का विचार गलत था। बाबू अपने बॉस को छुड़ाने के लिए सड़क के किनारे चट्टानों में मौजूद था। वैन कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली होगी, सब लोग तैयार रहें। कुछ ही देर में दूर से आती वैन पुलिस वैन दिखाई दी। वैन आ गई है, मैं अपनी जीप में जा रहा हूँ, तुम लोग सावधानी से काम करना, आप बेफिक्र रहें। बाबू चट्टानों के पीछे छुपाई गई बंद जीप में जा बैठा। इधर पुलिस वैन जैसे चट्टानों के निकट पहुंची, धड़ाम, अगले पल सर होशियार। सिपाहियों ने नीचे कूदकर वैन की ओट में पोजीशन दी और फायरिंग शुरू कर दी। धोए वैन के भीतर अरुण पटेल अकेला रह गया था। बाबू आ गया, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं यह बेड़िया? चट्टानों की ओर से फायरिंग का जवाब नहीं मिला था। सब सावधान रहे, वे लोग कोई चाल चल रहे हैं, दो आदमी पटेल के पास चले जाएं। दो सिपाही वैन के पिछले भाग की ओर बढ़े, तभी चट्टान की ओर से फायरिंग हुई। धोए धोए ओह, और अगले क्षण 4-5 धुएं के बम वैन के निकट आकर फटे। धड़ाम धड़ाम। पल भर में वैन गाढ़े धुएं के भीतर छुप गई और उसके रक्षक धुएं से बचने के लिए भागे। तभी चट्टानों की ओर से फायरिंग का बस्ट मारा गया। धोए धोए रिट रिट। इधर चट्टानों के पीछे से बाबू अपनी जीप देखकर निकला। उसकी आंखों पर विशेष प्रकार का चश्मा चढ़ा हुआ था, जिससे वह धुएं में भी देख सकता था। जीप धुएं में घुसकर वैन के निकट जा रुकी। वैन का दरवाजा खोलकर वह चिल्लाया, बॉस आ जाओ, मैं चल नहीं सकता, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं। तब बाबू ने उसे खींचकर कंधे पर डाल लिया और जीप में ले जाकर बैठा दिया। फिर जीप धुएं से निकली और सड़क पर मुड़कर बंबई की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद जब सड़क पर से धुआं छटा, तो वह इंस्पेक्टर और सिपाही की लाशें बिखरी हुई थी। काफी दूर आने के बाद बाबू ने जीप सड़क के किनारे जंगल में काफी अंदर ले जाकर रोक दी। उतरो बस, पहले हथकड़ी और बेड़िया काट दी जाए। बाबू ने जेब से बैटरी से चलने वाला कटर निकाला और बेड़िया काटने लगा। गर्र। कुछ ही देर में अरुण पटेल हथकड़ी और बेड़ियों से मुक्ति पा चुका था। थैंक्स बाबू, मुझे तुम पर गर्व है। यह बातें बाद में करेंगे बॉस, फिलहाल यहां से चलें। जीप चोरी की थी, उसे वहीं छोड़कर दोनों पैदल ही जंगल में चल पड़े। कुछ ही देर में वे मेटाडोर के निकट पहुंच गए। आप पीछे बैठकर अपना काम कीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूं। ओके। पटेल गाड़ी के पिछले भाग में बैठकर अपना हुलिया बदलने लगा। मेटाडोर सड़क पर दौड़ी जा रही थी। भीतर पटेल अपना रूप बदलने में व्यस्त था।
दाढ़ी साफ करने के बाद उसने केमिकल से अपने बाल भूरे रंग लिए। आंखों की पुतलियों पर नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस चढ़ाने से उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। चेहरे पर नकली फ्रेंच कट दाढ़ी लगाने के बाद उसने अटैची से एक सूट निकालकर पहन लिया। अब मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर दिखाई देता हूँ। मैं तैयार हो चुका हूँ बाबू, तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, आप आगे आ जाइए। गुड, अब आपको कोई नहीं पहचान सकता। मैंने न्यू कॉलोनी में एक फ्लैट प्रोफेसर भटनागर के नाम पर किराए पर ले लिया है और कॉलोनी में यह बात फैला दिया कि प्रोफेसर आज वहां पहुंच रहे हैं। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है बाबू, मैंने सब कुछ आप ही से सीखा है। यह लीजिए फ्लैट की चाबी और पता, आप वहां टैक्सी से जाएंगे। अब आपके इस रोग को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। गिरोह के किसी भी सदस्य को आपके स्वरूप के बारे में नहीं बताया जाएगा। न्यू कॉलोनी में स्थित फ्लैट के सामने अरुण पटेल टैक्सी से उतरा तो कॉलोनी के निवासियों ने उसे प्रोफेसर समझकर उसका स्वागत किया। आप प्रोफेसर भटनागर है ना, यहाँ के नए किराएदार? हाँ, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं इस कॉलोनी की वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ के निवासियों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक्स मिस्टर कुमार। उधर बंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही थी। एक इंस्पेक्टर और 5 सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर एक अपराधी भाग निकला। यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। किसी भी तरह अरुण पटेल को तलाश किया जाए। मैं जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार देखना चाहता हूँ। उसकी तलाश शुरू कर दी गई सर, बहुत जल्दी वह कानून की पकड़ में होगा। कहाँ तलाश शुरू की है आपने और अब तक क्या सफलता मिली है? जंगल में मिली जीप और कटी हुई हथकड़ियों से सिद्ध हो जाता है कि पटेल बंबई वापस आ गया है और शहर में ही कहीं छुपा हुआ है। उसकी तलाश में शहर की सारी पुलिस को लगा दिया गया है सर। गुड, लेकिन मैं जल्दी रिजल्ट चाहता हूँ। पटेल के सिर पर पहले 50,000 का इनाम था, अब वह रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दो। अखबारों में ऐलान करा दो कि पटेल को गिरफ्तार कराने में सहायक सिद्ध हुए व्यक्ति को नगद 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ओके सर। अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में ऐलान छपा दिया गया। अरुण पटेल का पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम। हा हा हा, 1 लाख रुपए। पुलिस मेरे सिर पर रखा इनाम बढ़ाती जा रही है, लेकिन हारून की मुखबरी करने का खतरा कोई मोल नहीं लेगा। और वैसे भी अब भला मुझे कौन पहचानेगा? ट्रेन ट्रेन हेलो प्रोफेसर भटनागर स्पीकिंग। प्रोफेसर साहब, मैं सिटी लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। यह बाबू का फोन था, पटेल ने आवाज पहचान ली। अच्छा, कहिए मेरी किताब मिली या नहीं? मिल गई है। आप तुरंत तुरंत लाइब्रेरी आकर अपनी किताब ले जाइए। उस किताब के लिए और भी लोग प्रतीक्षा में है। कुछ देर बाद पटेल फ्लैट से निकला और टैक्सी लेकर सिटी लाइब्रेरी की ओर रवाना हुआ। बाबू मुझसे लाइब्रेरी में मिलना चाहता है। सिटी लाइब्रेरी जाने से पहले उसने सावधानी बस टैक्सी को भी बिन बाजारों में घुमाया। वह देखना चाहता था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जब किसी को मुझ पर शक ही नहीं तो पीछा क्यों करेगा? अब सिटी लाइब्रेरी चलो। लाइब्रेरी में परिष्ट होकर उसने बाबू को तलाश करने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। बाबू भी मेकअप करके आया होगा। पटेल की नजरें कोने में बैठे हुए एक पादरी से मिली। बाबू मेकअप करने में इसका जवाब नहीं है, बॉस आ गया। पटेल ने पहले काउंटर पर जाकर एक उपन्यास लिया। विनय पर बाकर का कोई उपन्यास दीजिए। यह लीजिए, विनय पर बाकर का उपन्यास 4 बीवियों का पति, बहुत ही दासु उपन्यास है। फिर तो इसे पूरा पटकरी लाइब्रेरी से जाऊंगा। उपन्यास लेकर वह सीधा बाबू की मेज पर जा बैठा। हेलो फादर, हेलो। दोनों ने दबे स्वर में बातें शुरू की। आज का अखबार देखा? हाँ। 1 लाख का इनाम बहुत होता है बॉस, आपके लिए यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है। सारे शहर की पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह आपकी तलाश में है। मेरा विचार है आपको यह देश छोड़ देना चाहिए। मैंने भी यही सोचा, लेकिन यह देश छोड़ने से पहले मैं औद्योगिक क्षेत्र स्थित उस बैंक को लूटना चाहता हूँ जिसके स्ट्रॉन्ग रूम में हर समय कम से कम 1 करोड़ रुपए रहते हैं। उस बैंक को लूटने का मेरा सपना कितना पुराना है यह तो तुम जानते ही हो। मैं जानता हूँ बॉस, और मुझे खुशी होगी अगर हम 1 करोड़ रुपया लूटने में सफल हो जाएंगे। फिर हम दोनों हमेशा के लिए यह देश छोड़ देंगे। मैंने बैंक को लूटने की प्लानिंग कर ली है बाबू।
अच्छा, क्या प्लानिंग की है? इस काम में हम दोनों में से कोई शामिल नहीं होगा, सारा काम गिरोह के सदस्य करेंगे। तुम उन तक केवल निर्देश पहुंचाओगे और मैं दूर रहकर उनके काम पर नजर रखूंगा। फिर पटेल ने उसे अपनी योजना समझाई और अंत में कहा, इस काम के लिए हमें एक ऐसे ट्रक की जरूरत पड़ेगी जो ऑटोमोबाइल से ढोता हो। स्कूटर या कारें ढोने वाले ट्रकों के पीछे एक चौड़ा तख्ता होता है जिसके द्वारा गाड़ियां ट्रक में चढ़ाई जाती है। हमारे आदमियों की गाड़ी जब बैंक लूट कर चलेगी तो कुछ आगे जाकर उसे ऐसे ट्रक में चढ़ा दिया जाएगा। मैं समझ गया बॉस, ऐसे ऐसे ट्रक का प्रबंध हो जाएगा। मैं राणा नाम के एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसके पास अपना ऐसा ही ट्रक है जिसे वह इंपीरियल ऑटोमोबाइल्स के लिए किराए पर चलाता है। राणा को मैं जाल में फंसा सकता हूँ, तुम खुद उससे नहीं मिलना, गिरोह के किसी आदमी के द्वारा यह काम करवाओ। ओके बॉस, कल शाम तक राणा किसी भी तरह हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड, अब पहले तुम ऐसे उठकर चले जाओ, थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर जाऊंगा। बाबू तुरंत ही उठकर चला गया। राणा हालांकि एक बड़े ट्रक का मालिक था, फिर भी वह लालची आदमी था। रुपया कमाने के लिए वह हर वक्त उतावला रहता था। इस वक्त वह इंपीरियल ऑटोमोबाइल्स के सामने अपना ट्रक अनलोड कर रहा था। जल्दी करो भाई, मुझे घर जाना है। सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति खड़ा था, वही राणा है। जब वह ट्रक लेकर चलेगा तब बात करूंगा। कुछ देर बाद जैसे राणा अपना खाली ट्रक ट्रक लेकर वहां से चलने को हुआ। ये क्या बात है? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर ललित शर्मा हूँ। मिस्टर राणा, चुपचाप ट्रक चलाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझसे? अच्छा ठीक है। कहकर उसने ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। क्या बात है साहब, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। घबराओ नहीं राणा, तुमने कभी अरुण पटेल का नाम सुना है? हाँ सुना तो, वह बहुत बड़ा अपराधी है और उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हाँ वास्तव में हम अरुण पटेल को पकड़ने के लिए ही एक जाल बिछा रहे हैं और मैं धोखे से उसके गिरोह में शामिल हो चुका हूँ। और यह समझ लो कि इस वक्त अरुण पटेल ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे पास क्यों? इसलिए कि पटेल को तुम्हारे ट्रक की जरूरत है। वह एक बैंक लूटना चाहता है और उसकी योजना यह है कि जब उसके साथी बैंक का रुपया लेकर अपनी कार में भागे तो तुम्हारा ट्रक किसी सुनसान स्थान पर खड़ा हो और ट्रक का ढलानदार तख्ता कि जिसके द्वारा गाड़ियां चढ़ती है खुला रहे। पटेल के साथ अपनी गाड़ी तुम्हारे ट्रक में चढ़ा देंगे। मैं पहले से ट्रक के पास रहूंगा। गाड़ी चढ़ते ही मैं ट्रक का तख्ता उठाकर बंद कर दूंगा और तुम्हारे पास आ बैठूंगा। बस फिर तुम ट्रक लेकर चल पड़ोगे। नहीं साहब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तुम गलत समझ रहे हो राणा। क्या गलत समझ रहा हूँ? यहीं की तुम्हें पटेल का काम करना है। वास्तव में तुम पुलिस के लिए काम करोगे। पटेल का प्लान यह है कि पुलिस को उस गाड़ी की तलाश होगी जिसमें डाकू को भागते देखा जाएगा, इसलिए वह गाड़ी तुम्हारे ट्रक में छुपाना चाहता है। उसकी प्लानिंग के अनुसार तुम्हें उस गाड़ी को शहर से बाहर ले जाकर अपने ट्रक से उतार देना है। लेकिन लेकिन क्या साहब? लेकिन हमारी यानी पुलिस की प्लानिंग यह है कि जब पटेल अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर तुम्हारे ट्रक में घुस जाएगा और मैं ट्रक का पिछला भाग बंद कर दूंगा तो तुम गाड़ी लेकर शहर से बाहर नहीं जाओगे बल्कि सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचोगे, जहां पटेल और उसके साथियों को चूहेदान में फंसे चूहों की तरह दबोच लिया जाएगा। तो आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है साहब, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? पटेल के सिर पर जो 1 लाख रुपए का इनाम है वह तुम्हें मिलेगा राणा, और इसके साथ ही तुम कानून की मदद करोगे जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। 1 लाख की कल्पना ने ही राणा को सुपरमैन बना दिया। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। गुड, तो तुम कल ठीक 2 बजे औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़ा बैंक है उससे आगे वाली लेन में अपना ट्रक लेकर पहुंच जाना। वह लेन सुनसान रहती है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेकिन याद रहे, 2 बजे से जरा भी देर न हो। उसी रात अरुण पटेल और बाबू समुद्र के किनारे फिर मिले। बाबू इस वक्त दूसरे मेकअप में था। क्या रहा बाबू, सब काम ठीक हो गया है? ललित ने खुद को इंस्पेक्टर बताकर राणा को फंसा लिया है। कल ठीक 2 बजे वह ट्रक लेकर पहुंच जाएगा। गुड, काम पूरा होने के बाद राणा को गोली मार देना, यह तो करना ही होगा। ललित के अतिरिक्त गिरोह के 8 आदमी अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे लिए आपका क्या आदेश है? तुम कल सुबह से राणा के पीछे लग जाना और जब तक वह ट्रक लेकर पहुंच नहीं जाता
उस पर नजर रखना। मैं कोई भी पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहता। ठीक है बॉस, लेकिन आप इस बीच कहाँ रहेंगे? मैंने किराए पर एक कार प्राप्त कर ली है। बैंक में वारदात के समय मैं अपनी कार में बैंक के निकट ही रहूंगा और केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही कुछ करूंगा, वरना सिर्फ नागरिकों की तरह अपनी कार में बैठा देखता रहूंगा। फिर उसने बाबू को अपनी कार का नंबर और मॉडल भी बता दिया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, हमारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि उससे फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल दोपहर बाद हम 1 करोड़ के मालिक होंगे और शाम से पहले सारी दौलत लेकर समुद्र के रास्ते ये देश हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हा। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। उम्मीद है कल जब हम मिलेंगे तो करोड़पति होंगे। हाँ, और तुम ललित को अच्छी तरह समझा देना कि उसे ट्रक लेकर कहाँ पहुंचना है, और उससे कहना कि वह हर तरह के हथियार, मेरा मतलब है पूरी तैयारी के साथ साथ जाए। इस बातचीत के बाद दोनों वापस चल दिए। राणा अपना ट्रक लेकर औद्योगिक क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। 2 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। आज तो मेरी 1 लाख की लॉटरी निकलने वाली है। याहू याहू। लेकिन एक मोड़ पर घूमते हुए, ओ ये क्लच कुछ गड़बड़ कर रही है सत्यानाश, इसे भी अभी फ्लैट होना था। गर गर। एक वर्कशॉप के सामने उसे ट्रक रोकना पड़ा। ओए मिस्त्री बाबू, जरा क्लच चेक कर दे जल्दी। आया जी, काम कुछ ज्यादा निकल आया। जल्दी कर भाई, मुझे 2 बजे कहीं पहुंचना है, 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट बाद वह ट्रक लेकर निकला। अगर 2 बजे पहुंचना तो गाड़ी तेज चलानी होगी। एक चौराहे पर पहुंचते ही रेड लाइट हो गई। निकल ही चलता हूं वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। ट्रैफिक नियमों का यह उल्लंघन करते उसे ट्रैफिक पेट्रोल जीप से देखा गया और अगले पल जीप ट्रक के पीछे लग गई। पी पी। राणा ने सायरन सुना और बैक व्यू मिरर में जीप को देखा। सत्यानाश, पुलिस पीछे लग गई, अब तो रुकना ही होगा। मैं तो कानून की मदद करने जा रहा हूं, उनको भी बता दूंगा। उसने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। अपना लाइसेंस निकालो। नाराज न हो साहब, जरा इधर आकर हमारी बात सुन लीजिए। ट्रक की ओट में ले जाकर उसने इंस्पेक्टर को सच्चाई बताई, फिर बोला, हम तो कानून की मदद ही करने जा रहे हैं साहब। सीआईडी इंस्पेक्टर ललित शर्मा ने हमें ठीक 2 बजे पहुंचने को कहा था, इसलिए सिग्नल तोड़ दिया। इसकी बातें विश्वास करने योग्य नहीं है, या फिर यह कोई और चक्कर है। इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं आया था, इसलिए उसने वायरलेस पर सीआईडी ऑफिस संपर्क किया। कुछ ही देर में सीआईडी के 2 अधिकारी वहां पहुंचे। उनको भी राणा ने वही कहानी सुनाई। ललित शर्मा नामक कोई इंस्पेक्टर हमारी सीआईडी में नहीं है, तुम्हें किसी ने मूर्ख बनाया राणा। लेकिन क्यों, तुम्हारी क्यों का एक ही जवाब है, हारून पटेल ने चालाकी से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। वह तुम्हारी मदद से बैंक लूट कर फरार होना चाहता है, लेकिन अब वह सफल नहीं हो सकेगा। असल में अब तुम सीआईडी के लिए काम करोगे। क्या करना होगा साहब? कुछ देर तक राणा को समझाने के बाद, बैंक के चेयर और सीआईडी का घेरा होगा, तुम यह रुमाल अपने ट्रक के डैशबोर्ड में रख लो, इस पर बेहोश करने वाली दवाई लगी है। डाकू की गाड़ी जब ट्रक में चढ़ जाए और ललित पिछला हिसाब बंद करके तुम्हारे बराबर में आकर बैठे तो तुम यह रुमाल उसे सूंघा देना, वह बेहोश हो जाएगा। इस बीच पुलिस वहां पहुंच जाएगी। लेकिन साहब, आप डाकू को डाका डालते समय बैंक में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? इसकी जरूरत नहीं है, जब पटेल खुद ही चूहेदान में फंस रहा है तो हंगामा क्यों करे। उधर पटेल के 4 साथी एक सुनसान सड़क पर बैंक की गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। कुछ ही देर में वैन यहां से गुजरेगी। इस वक्त वह बैंक के हेड ऑफिस से आती है और उसमें कैश नहीं होता, इसलिए उसके गार्ड्स सतर्क नहीं रहते। फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कुछ ही देर में वैन दूर से आती नजर आई तो एक व्यक्ति सड़क के बीच में पहुंच गया। वैन रुक गई। क्या बात है, कुछ पूछना था आपसे, कहकर अचानक तड़ाक उफ। अगले पल तुम दोनों चुपचाप नीचे उतर जाओ। सुनो, अगर तुम यह समझ रहे हो कि गाड़ी में कैश है तो तुम्हारा विचार गलत है। कैश तुम लेने जा रहे हैं। बकवास बंद करो और नीचे उतरो। ठीक है। अब शेष तीनों बदमाश भी निकट आ गए और फिर दौड़ दौड़ तीनों बैस व्यक्ति को उठाकर झाड़ियों में ला गया और 3 बदमाशों ने उनके कपड़े उतार कर स्वयं पहन लिए। तो हम तीनों वैन लेकर जा रहे हैं, तुम इन तीनों के हाथ पांव बांध दो और मुंह में कपड़ा ठूस दो ताकि होश में आने के बाद यह शोर न मचा सके, और इनका पहरा जरा होशियारी से देना।
तुम लोग चिंता न करो। वह तीनों बैंक कर्मचारियों के लिबास में वैन लेकर चल दिए। उधर पटेल बैंक के सामने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठा था। मेरे आदमी आते ही होंगे। कुछ ही देर बाद चार व्यक्ति बैंक की सीढ़ियां चढ़ते नजर आए आ गए। बैंक बंद होने का समय हो रहा था, इसलिए भीतर एक आदि ग्राहक था। वे चारों सीधे मैनेजर के केबिन की ओर गए। आइए, हम अपनी कंपनी का अकाउंट आपके बैंक में खोलना चाहते हैं। मैनेजर ने उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाया। आप लोग काफी लेट आए हैं, बैंक बंद होने का समय हो रहा है, फिर भी मैं आपको अपने बैंक के नियम बता दूंगा। पहले मैं बैंक बंद करा दूं, ठीक है? मैनेजर ने इंटरकॉम उठाया। 2 बज रहे हैं, बैंक का गेट बंद कर दिया जाए। यस सर। दरबार ने शीशा गेट का गेट बंद करके क्लोज्ड की तख्ती लगा दी और पर्दा खींच दिया। क्लोज्ड। मैनेजर के केबिन में, हाँ तो आप किस कंपनी से संबंध रखते हैं? इससे यह कि क्या है? शेष तीनों ने भी पिस्तौल निकाल लिए। आवाज बिल्कुल नहीं निकालना मैनेजर, वरना गोली चल जाएगी। उठकर हमारे साथ बाहर चलो। मैनेजर को वह बाहर लेकर आए। डाकू ओए, लेकिन अगले पल धोए आह, गुंडे की पिस्तौल में साइलेंसर फिट था। किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की या और कोई चालाकी दिखाई तो उसका अंजाम भी यही होगा। सब अपने हाथ ऊपर उठा लें। सब ने आदेश का पालन किया। मैनेजर, बैंक में मौजूद सारा कैश निकलवाओ जल्दी। तभी बैंक के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। दरवाजा खोल दो, ये अपने साथी हैं। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सब ठीक है ना? हाँ, दरवाजा बंद कर दो। बाहर किसी को संदेह भी नहीं हुआ कि बैंक के भीतर डाका पड़ रहा है। सारे टेलीफोन बेकार कर दो और कैश बक्सों में भर लो। उधर ललित राणा की प्रतीक्षा में बेचैन से टहल रहा था। क्या हो गया उसे? 2:05 हो चुके हैं, काम मर गया। तभी राणा का ट्रक लेन में प्रविष्ट हुआ आ गया। माफ करना साहब, थोड़ी देर होगी, वह साला कलच धोखा दे गया था। अच्छा ठीक है, तुम ट्रक का पिछला तख्ता खोल दो। राणा ने आदेश का पालन किया। आने दे बच्चों, अपने पटेल को आज नहीं बच पा सकेगा। बस अब तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। उधर डाकुओं ने सारा कैश बक्सों में भर लिया था। पहले दोनों बक्से वैन में पहुंचाओ। वैन लाने वाले गुंडों ने बक्सा उठाया। पटेल ने अपने आदमियों को बक्से वैन में लाते देखा। सब काम ठीक हो रहा है। बैंक के भीतर, अब तुम लोग कान खोलकर सुनो। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक आदमी बैंक के बाहर मौजूद रहेगा। अगर हमारी जान के 10 मिनट बाद तक तुमने बैंक का दरवाजा खोला या शोर मचाया तो बाहर खड़ा हमारा आदमी एक बम इस बैंक पर फेंक देगा और तुम सब मारे जाओगे, समझे? फिर वे चारों भी बैंक से बाहर निकल गए और वैन में सवार हो गए। काम हो गया है। वैन तेजी से रवाना होगी। अब मैं भी चलता हूं। उधर जैसे पटेल गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरे कौन है? मैं हूं बॉस, बाबू। तुम यहाँ कैसे? सब गड़बड़ हो गई है बॉस। राणा सीआईडी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अब वह जो कुछ करेगा उनकी प्लानिंग के अंतर्गत करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबू की बात सुनकर पटेल का दिल बैठने लगा। ओह बाबू, मैं कुछ करना होगा, उन्हें ट्रक में चढ़ने से रोकना होगा। पटेल ने गाड़ी स्टार्ट करके घुमाई और वैन के पीछे रवाना हो गया। उधर वैन लेन में प्रविष्ट हो चुकी थी। आकर ट्रक में चढ़ गई। ललित ने तुरंत तख्ता उठाकर बंद किया। तभी लेन में पटेल की कार प्रविष्ट हुई। ललित तख्ता बंद कर रहा है, यानी वैन चढ़ चुकी है, उसे रोकना होगा। ठहरो, ललित ने आवाज सुनकर कार की ओर देखा, लेकिन पटेल और बाबू दोनों ही अपने असली रूप में नहीं थे, इसलिए वह पहचान न सका। कौन है यह? क्या पुलिस? और वह तख्ता बंद करके ट्रक में चढ़ने के लिए भागा। उसे रोको बॉस, उल्लू के पटेने में पहचाना नहीं है। पटेल ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। ट्रक का टायर बस्ट कर देता हूं। ललित ने ट्रक में चढ़ने से पहले एक बार पलट कर देखा। रिवॉल्वर, यह अवश्य पुलिस वाले हैं। अतः उसने जेब से हथकोला निकालकर
दांतों से उसका सेफ्टी लेंस हटाया और पटेल व बाबू के कुछ समझने से पहले ही उसने गोलाकार की ओर उछाल दिया। बूम! कार के साथ अरुण पटेल और बाबू के भी टुकड़े टुकड़े उड़ गए। ठीक उसी समय दूसरी ओर से लेन में पुलिस की गाड़ियां प्रविष्ट हुई। धाएं आह! कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में एक अधिकारी रिपोर्ट दे रहा था। अरुण पटेल और उसका पूरा गिरोह समाप्त हो चुका सर। पटेल की कार पर उसके साथी ने बम मार दिया, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। जो कुछ भी हुआ, बुरा नहीं हुआ, पटेल समाप्त हो गया और उसके साथी पकड़े गए। हमारे लिए यही खुशी की बात है। मैं ट्रक ड्राइवर राणा को 1 लाख का इनाम दिलाने का प्रबंध करता हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक खतरनाक और चालाक अपराधी अपनी चाल का शिकार होकर अंजाम तक पहुंचा। इसलिए कहते हैं, पापी और अपराधी का अंजाम हमेशा खराब होता है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी कॉमिक्स थी और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।